ये जो गुस्सा है, और जब आदमी नाकाम नाकामयाब नहीं कर सकते उनको, क्योंकि हर म्यूजिशियन अपने दिल दिमाग से अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है। कोई भी कलाकार को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो साज सुर का ही काम कर रहा है, वही कामोद गा रहा है, वही ब्याह गा रहा है या बजा रहा है। तो ये जो कामयाबी है ये तो भगवान ही देता है, और लोगों का प्यार मोहब्बत ये भी इंसान की किस्मत में है तो मिलता है, और नहीं है तो नहीं मिलता है। और असली कामयाबी यही है कि जब लोग आपको प्यार करने लगे, नहीं तो कितना ही रियाज कर ले आदमी, अगर लोगों का आशीर्वाद और प्यार नहीं मिला तो वो रियाज बेकार है। एक दफ़ा हमको विलायत खान साहब को रोम ले गए थे, उस्ताद विलायत खान साहब, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, इंटरनेशनल पोएट्स कॉन्फ्रेंस, शायद 70s की बात होगी मेरे ख्याल से। हमारी वाइफ भी थी, हम और हम लोग एक ही फ्लाइट में गए, विलायत खान साहब और हम। वो इटली का एक बहुत बड़ा थिएटर का आर्टिस्ट था जो बुलाने पर्सनली आया था, और उसने हमको अपने घर में रखा, विलायत खान साहब को, वो अपनी वाइफ के साथ गए थे, उनको एक अलग घर दे दिया था। फिर एक दिन वो आदमी मुझे पूछने लगा, हम लोग बैठे थे सब, मेरी वाइफ भी थी, कि हम पब्लिसिटी में आपका नाम कैसे लिखें। अब ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने कहा नहीं भाई, जैसा आपकी इच्छा हो, हम इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द लोग जो थे, ये लिखिए, वो लिखिए, फलाना लिखिए, तो मैंने कहा नहीं, जो आपकी इच्छा हो। तब वो कहता है कि नहीं, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि उस्ताद विलायत खां के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि मैं इतना पैसा लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, और मेरी पब्लिसिटी में लिखा जाए म्यूजिशियन ऑफ द सेंचुरी। तो जब वो सेंचुरी कह रहे हैं तो मुझे मजाक में ऐसा लगा कि मैं कह दूँ म्यूजिशियन ऑफ डबल सेंचुरी लिख दो, लेकिन वो दिमाग में ये बात आई, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता था और वो पूजनीय है, बड़े हैं हमारे, बड़े भाई की तरह मैं उनकी इज्जत करता रहा। मैंने कहा भी ये लिखो कि मोस्ट लव्ड म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, कोई उस्ताद की ज़रूरत नहीं, कोई विजर्ड की ज़रूरत नहीं, बस मोस्ट लव्ड म्यूजिशियन ऑफ इंडिया अमजद अली खान, बस। तो उसी तरह से पब्लिसिटी आई पूरा। सवाल यही है कि मज़ा इसी बात का है कि दुनिया आपको उस्ताद कहे या पंडित कहे, हम अपने मुंह से अपना नाम उस्ताद अमजद अली खान हमने तो कभी कहा ही नहीं, ना अपने लेटर हेड में हमने छपा कभी। आप हमारे लेटर हेड देखिए, विजिटिंग कार्ड देखिए, सिर्फ अमजद अली खान। भाई दुनिया ने 14-15 साल की उम्र से दुनिया कहने लगी उस्ताद अमजद अली खान, तो वो उसका एक, वो एक आशीर्वाद है, कोई हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है, या कोई हमारी इसको मिलता है, ये आप डिमांड नहीं कर सकते इसको। और जब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, और जितने बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं, इतनी कम उम्र में जब सर्वोच्च सम्राट प्रयाग संगीत समिति ने, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और ज़िम्मेदारी इस बात की ज़्यादा रहती है कि हमारे ज़रिए किसी का नरादर ना हो, हमारे ज़रिए किसी का दिल ना टूटे, जाने अनजाने में को हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए